नमस्कार, आप देख रहे जनहित। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और जनहित में आज हम बात करेंगे। लगातार माफिया अतीक अहमद चर्चाओं में है। चर्चाओं की वजह है कि उसे साबरमती से उत्तर प्रदेश की प्रयागराज जेल लाया जा रहा है। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, थोड़ी देर में नैनी जेल पहुंचेगा अतीक अहमद। प्रयागराज पहुंच चुका है, नैनी जेल पहुंचेगा थोड़ी देर में। अतीक अहमद को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके अलावा जो पुलिस है उसने अर्जी दाखिल की है कि किसी तरह पूछताछ के लिए अतीक अहमद को रिमांड में लिया जा सके, उस पर भी कुछ ही देर में फैसला आना है। फिलहाल नैनी जेल के करीब पहुंच गया है अतीक अहमद का काफिला। कुछ ही देर में नैनी जेल प्रवेश करेगा ये पूरा काफिला। भारी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद उत्तर प्रदेश की नैनी जेल लाया जा रहा है। अलग अलग जिलों की सुरक्षा व्यवस्था भी देखने को मिली है। जहां जहां से अतीक अहमद का ये काफिला गुजरा है वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले हैं। आपको बता दें, उमेश पाल का अपहरण कांड से जुड़ी सुनवाई है कल और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इस वक्त नैनी जेल के बाहर की हैं, जहां कुछ ही देर में अतीक अहमद पहुंचने वाला है। कल कोर्ट में पेश किया जाना है। और जनहित में आज हम इसी पर बात करेंगे कि जो अतीक अहमद को साबरमती जेल से नैनी जेल लाया जा रहा है, क्या अतीक अहमद उत्तर प्रदेश की जेल में सुरक्षित नहीं था कि उसे नैनी जेल भेजना, साबरमती जेल भेजना पड़ा। कई सारे सवाल हैं। सवाल ये भी है कि उत्तर प्रदेश की जो जेलें हैं क्या वो सुरक्षित नहीं है कि माफियाओं को उत्तर प्रदेश की जेल में रखा जाए। एक तरफ सरकार की तरफ से कहा जाता है कि जो जेलें हैं वो बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, एक किले की तरह, किले को कोई भेद नहीं सकता, ये कहा जाता है सरकार की तरफ से। लेकिन अगर वही जेलें अपराधियों के आरामगाह बन जाएं तो सवाल उठना लाजमी है। इसके पहले में मुख्तार अंसारी के बेटे बहू का मामला सामने आया कि बेटे और बहू मुलाकात कर रहे हैं जेल में, एक कमरे में पूरी व्यवस्थाएं उनको दी जा रही हैं। और एक तरफ सरकार कहती है जेल में कुछ भी गलत नहीं हो सकता, लेकिन अपराधी जेल के भीतर साजिश रचते हैं। लगातार जो जेलों में विजिटिंग होती है, डीएम एसएसपी वहाँ पहुँचते हैं और कई बार ऐसे ऐसे सामान जेल से मिलते हैं जो कई सवाल खड़े करते हैं। चाहे वो जौनपुर की जेल का मामला हो, चित्रकूट की जेल का मामला हो, उन्नाव जेल का मामला हो, कभी फ़ोन बरामद हो रहे हैं, तो आखिर जेलें सुरक्षित कहाँ से हैं जब अपराधियों को जो आराम जेल के बाहर मिल रहा है जेल के भीतर मिलेगा तो कैसे सुरक्षा। अभी अगर कुछ ही वक्त समय की पहले की बात करें बांदा जेल की, जब मुख्तार अंसारी बांदा जेल पहुंचता है तो वहां पर चार्ज लेने से अधिकारी मना कर देते हैं। कई सारे सुपरिटेंडेंट वहां से अपना तबादला करा लेते हैं। वो उसके पीछे कारण है कि मुख्तार अंसारी जैसा माफिया जेल में है, उनको लगता है दबाव बनाया जाएगा, उस दबाव को वो झेल नहीं पाएंगे, स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो इन अपराधियों से अधिकारी डरते हैं और सरकार कहती है जेलें सुरक्षित हैं। सवाल यही कि जेलें कितनी सुरक्षित हैं। सवाल यह भी है कि जो माफिया अतीक अहमद को तो आप ला रहे हैं वो तो जेल में पहले से ही बंद था, लेकिन जो ये घटनाक्रम हुआ है, दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या हो गई है और उस हत्या में शामिल जो लोग हैं क्या उनको पुलिस ने अब तक पकड़ लिया है। लगातार पुलिस दावे कर रही है कि हम बुलडोजर चला रहे हैं। आप बुलडोजर चलाइए, बेशक चलाइए, लेकिन जो अपराधी हैं वो अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों हैं, क्यों पुलिस के हाथ खाली हैं। उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा कांड हो जाता है, हत्या हो जाती दिन दहाड़े उमेश पाल की, और उसके साथ सुरक्षा गार्ड भी था, उसके साथ जो गनर था उसकी भी हत्या हो जाती है। जब किसी को अपनी जान बचानी होती, जब किसी को लगता है कि उसकी जान को खतरा है, सरकार से वो गुहार लगाता है सुरक्षा के लिए, उस सुरक्षाकर्मी मिलता है, तब भी वो सुरक्षित नहीं है, उसकी भी हत्या हो जाती है, सुरक्षाकर्मी भी हत्या हो जाती है और पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। जो मेन शूटर्स हैं अतीक अहमद, अशरफ को आप साइडलाइन कर दीजिए, वो दोनों जेलों में बंद थे, भले ही साजिश
जेल से रची गई, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं, ये सच्चाई है और इसे स्वीकारना होगा उत्तर प्रदेश की पुलिस को। सवाल ये भी है, राजनीति भी इसमें तेज हो गई है। अखिलेश यादव लगातार बयान देते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस तो अपना कानून चला रही, बुलडोजर चला देती है, एनकाउंटर कर देती है। उधर मायावती बहन जी की भी एंट्री हो गई है। यहां पर दो बहनों का जिक्र करूंगा, एक बहन अतीक के काफिले के साथ आ रही है और दूसरी बहन जी मायावती वो पूरी तरह समर्थन कर रही हैं शाइस्ता परवीन का। उनका कहना जब तक कि आरोप सिद्ध नहीं हो जाते शाइस्ता परवीन को वो पार्टी से हटाएंगी नहीं, क्योंकि इस मामले में शाइस्ता परवीन को भी आरोपी बनाया गया है। शाइस्ता परवीन जो है प्रयागराज में मेयर पद की दावेदार बताई जा रही हैं। इसी पर बात करेंगे, उससे पहले आपको एक बार फिर से बड़ी खबर बता देते हैं। नैनी जेल पहुंचने वाला है अतीक अहमद का काफिला। उधर अतीक अहमद का भाई जो अशरफ है वो भी इस मामले में आरोपी है, वो भी प्रयागराज कुछ ही देर में पहुंचेगा। फिलहाल रायबरेली से उसका काफिला जो है निकल चुका है प्रयागराज के लिए। तो ये दोनों भाई जो हैं इनकी कल पेशी होनी है कोर्ट में, और आरोप वही हैं जब राजू पाल की हत्या हुई थी, उसके बाद अपहरण किया गया था उमेश पाल का। और इसी बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, यूपी नगर निकाय चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मंजूर कर ली है, ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव को दी मंजूरी। तो ओबीसी आरक्षण के साथ मंजूरी दी गई, दो दिन में नोटिफिकेशन जारी करने की इजाजत दी है। तो यूपी नगर निकाय चुनाव से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मंजूर कर ली है, अब ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव को मंजूरी दी है। लगातार इसको लेकर राजनीति भी तेज थी, दो दिन के नोटिफिकेशन जारी करने की इजाजत दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, ओबीसी आयोग से जुड़ी खबर है, ओबीसी आरक्षण जो है अब उसके साथ निकाय चुनाव की मंजूरी दी है सुप्रीम कोर्ट ने। और इस खबर पर जो याचिकाकर्ता है इस खबर के, इस मामले के, संदीप पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप पांडे जी, कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को? जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बहुत स्वागत योग्य फैसला है, मुझे लग रहा है जिस तरह से ओबीसी आयोग का गठन हुआ, उसके बाद जिस तरह से आयोग ने काम किया, 6 महीने का टाइम मांगा था, सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का टाइम दिया और 2 महीने 10 दिन में आयोग ने अपना काम पूरा कर लिया, मुझे लग रहा है स्वागत योग्य फैसला है। और निकाय चुनाव को बहुत ज्यादा दिनों तक लटकाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि जनता के छोटे छोटे रोजाना की जरूरतों से जुड़ा हुआ ये चुनाव है, मुझे लग रहा है। इसलिए सरकार ने जो तत्परता से काम किया, स्वागत योग्य फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, और जल्द से जल्द चुनाव होके लोगों को जो है ये बहुत बड़ी एक राहत है। इसको लेकर लगातार राजनीति भी तेज हुई है, समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार सवाल उठाए गए, इसे क्या मानते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष में ये फैसला है, अब उत्तर प्रदेश सरकार नहीं चाहती थी कि आरक्षण के साथ निकाय चुनाव में जाएं? देखिए मुझे लगता है कि ये किसी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में फैसला नहीं है, ये इस प्रदेश के रहने वाले एक आम नागरिक के पक्ष में ये फैसला है। क्योंकि देखिए जो आरक्षण की प्रक्रिया है वो तो सरकारें अपने जो आरक्षण की प्रक्रिया है वो सरकारें अपने हिसाब से जो संविधान में वर्णित
जो अधिकार है उसके हिसाब से आरक्षण देते हैं, और अगर कहीं पे कुछ कमियां रह जाती हैं तो प्रत्येक सरकार का एक कर्तव्य है उन कमियों को दूर करके उनको सही तरीके से लागू किया जाए, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अब अगर ये चुनाव बहुत ज्यादा दिनों तक लटके रहेंगे तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो आम जनता को है। देखिए, अगर कोई प्रशासन तो काम करता है, बट अगर शासनिक स्तर पे कोई जनप्रतिनिधि नहीं होता है तो रोज रोज की जो छोटी छोटी जरूरतें हैं, जनता अपनी शिकायतों को लेके किसके पास जाएगी? तो ये समस्या जो है जनता की बड़ी थी। तो जल्द से जल्द चुनाव हो जाएंगे, जनता को राहत मिलेगी, तो मुझे लग रहा है ये जनता के लिए राहत भरी खबर है। और देखिए, राजनीतिक पार्टियां तो चुनाव लड़ने के लिए ही होती हैं, उनके लिए तो ये सही फैसला है ही, बट मुझे लगता है जनता की जीत है और जनता के लिए अच्छा फैसला है। संदीप जी, कैसे देखते हैं, क्या दो दिन का नोटिफिकेशन जो कहा गया है जारी करने के लिए, क्या सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार कुछ और वक्त मांग सकती है, या फिर लगता है समय रहते सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो तारीखों की घोषणा है वो हो जाएगी? मुझे लगता है समय रहते ही जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए, मुझे लग रहा है उसी के अनुरूप सरकार काम करेगी और जल्द से जल्द चुनाव की घोषणा करेगी। देखिए, ऑलरेडी चुनाव 4-5 महीने लेट हो चुका है, मुझे लगता नहीं कि सरकार अब किसी और तरीके से विवाद में पड़ना चाहेगी, जल्द से जल्द चुनाव की घोषणा करेगी। और एक जो बोर्ड होते हैं, चाहे नगर निगमों के हो चाहे नगर पालिकाओं के हो, वो बोर्ड बना के जनता को एक सौगात देना चाहेगी, जनता को राहत देना चाहेगी। बिल्कुल, जनता के लिए एक अच्छा फैसला है और बहुत जल्द चुनाव हो सभी की कोशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त दिल्ली से बता रहे, सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की बात कही है, दो दिन में नोटिफिकेशन जारी करने की इजाजत दी है। और वापस हम बात करेंगे जनहित में। आज अतीक अहमद, माफिया अतीक अहमद की, जिसे साबरमती जेल से प्रयागराज ले आया गया है और कुछ ही देर में नैनी जेल पहुंचने वाला है। आखिर ये मामला है क्या? प्रयागराज हत्याकांड में यूपी पुलिस का एक्शन जारी है। कत्ल वाले दिन की तस्वीरें आज भी सभी के जहन में हैं। उमेश पाल जैसे ही कार से उतरा, कार और बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग और बमबाजी शुरू कर दी थी। इस बीच ठीक बगल की दुकान में खड़ा एक शूटर भी बाहर निकलकर गोली चलाने लगता है। उसकी शिनाख्त मोहम्मद गुलाम के तौर पर हुई, वो माफिया अतीक अहमद का खास बताया जाता है। वीडियो में अतीक अहमद का बेटा उमेश जो है वो गोली मारते दिखता है, जो असद है, अतीक अहमद का बेटा। पूरे मामले में पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए कुछ आरोपियों को ढेर भी कर दिया, तो कुछ अपराधियों के घरों में मिट्टी में मिला दिया, जैसा बुलडोजर चलाने की बात सामने आई है। उमेश पाल हत्याकांड का मास्टरमाइंड अतीक अहमद बताया जा रहा है, जिसे अब साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया है। गुजरात की साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज पुलिस वापस यूपी लेकर आ गई है। उसे कल यानी 28 मार्च को प्रयागराज की एमपीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां साल 2006 में राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल का अपहरण कर उसे पीटने और धमकाने के मामले में सजा सुनाई जानी है। इसके लिए अदालत के आदेश पर प्रयागराज पुलिस पूरे लाव लश्कर के साथ रविवार सुबह साबरमती जेल पहुंचती है। जेल में औपचारिकताएं जो हैं वो पूरी करने के बाद शाम करीब 4 बजे अतीक को साथ लेकर पुलिस टीम ने प्रयागराज की ओर रुख किया। आपको बता दें, साल 2005 में राजूपाल की हत्या के बाद चश्मदीद गवाह उमेश पाल का अतीक अशरफ और उसके गुर्गों ने एक साल बाद अपहरण कर लिया था, क्योंकि वो मुख्य गवाह था और डर था दोनों को, अगर ये गवाही देता है तो हम कहीं ना कहीं जेल की सलाखों के पीछे होंगे, और उसे अज्ञात स्थान पर लेकर गवाही ना देने के लिए बुरी तरह पीटा था। इसका मुकदमा उमेश पाल ने साल 2007 में दर्ज कराया था। आपको बता दें, मुकदमा अभी दर्ज नहीं हो रहा था। उमेश पाल के जो घर वाले हैं, उमेश पाल का भी कहना था कि उसने बहुत कोशिश की लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट थी कहा जाता है, और अतीक समाजवादी पार्टी में था और उसको पार्टी का संरक्षण मिल रहा था, पुलिस उसकी सुनवाई नहीं कर रही थी। जब बहुजन समाज पार्टी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में आती है तब यह मुकदमा दर्ज होता है। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार के मुताबिक इस मामले की सुनवाई अब पूरी हो चुकी है, इस वजह से अतीक की प्रयागराज लाकर अदालत के सामने उसे पेश किया जाना है। राजूपाल हत्याकांड में गवाही देने की वजह से ही अतीक और अशरफ ने साजिश रचकर बीते 24 फरवरी को उमेश पाल की धूमनगंज इलाके में हत्या करा दी। ये कहा गया है कि साजिश जेल में रची गई है,
बाहर पूरी प्लानिंग भी बाहर हुई, लोगों ने बाहर ही मीटिंग की। इस मामले में अतीक का बेटा असद और चार अन्य शूटरों की गिरफ्तारी पर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित हो चुका है। सवाल यही है कि शूटरों का बॉस तो यूपी लाया जा चुका है, लेकिन गुर्गे कहाँ हैं? हमने शुरुआती इसी से करी, आखिर मेन जो जिम्मेदार हैं, जो आरोपी हैं, वो अब तक पुलिस के हाथ से बाहर क्यों है? पुलिस के हाथ क्यों खाली है? पुलिस की गिरफ्त से दूर क्यों है? क्या यूपी पुलिस पूरी तरह फेल हो चुकी है? तमाम सारे सवाल हैं। जेलों को सुरक्षा के तौर पर कहा जाता है उत्तर प्रदेश की जेलें बहुत सुरक्षित है, क्या वाकई जेलें सुरक्षित? तमाम सारे सवाल हैं, इसी पर आज हम बात करेंगे। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं जनहित, और जनहित में हम बात कर रहे हैं माफिया अतीक अहमद से जुड़ी हुई। अतीक अहमद साबरमती से अब प्रयागराज पहुंच चुका है, कुछ ही देर में नैनी जेल पहुंचेगा, लेकिन सवाल ये आखिर जो मुख्य आरोपी हैं वो अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, और जेलों को लेकर जो लगातार बातें की जाती हैं कि उत्तर प्रदेश की जेलें बहुत सुरक्षित हैं, तो आखिर अगर जेलें सुरक्षित हो तो साबरमती में अतीक अहमद अब तक क्या कर रहा है? तमाम सारे सवाल हैं। राजनीति भी तेज़ हो गई है, मायावती का साफ कहना है जब तक आरोप सिद्ध नहीं होंगे शायस्ता परवीन पर तब तक वो पार्टी की सदस्य बनी रहेंगी। आपको ग्राफिक जरिए हम दिखा सकते हैं कि आखिर अतीक अहमद को जो लोग नहीं जानते, हालांकि बहुत सारे लोग समझ गए कौन है अतीक अहमद, क्या इस पर कौन से आपराधिक मुकदमे हैं, इसका रसूख क्या था आज से कई साल पहले और आज क्या इसकी हालत है। 1996 में समाजवादी पार्टी से विधायक बना था, 2002 में अपना दल से विधायक बना। तो शुरुआत करेंगे, हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। केसी पांडे बीजेपी से जुड़ गए, माफ कीजिए, केसी जैन जुड़ गए हैं बीजेपी से। केसी जैन साहब स्वागत है आपका। मनोज यादव समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, सर आपका भी स्वागत है। राजीव वाल्मीकि हैं दलित चिंतक के, सर बहुत बहुत स्वागत। इसके अलावा हमारे साथ राहुल मिश्रा संवाददाता नैनी जेल से मौजूद हैं, जहाँ अभी कुछ ही देर में अतीक पहुँचने वाला है, और विनय मिश्रा इस वक्त वो भी प्रयागराज में हैं। सबसे पहले राहुल मिश्रा आप ही के पास आएंगे, आप नैनी जेल के बाहर हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, कितने सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, क्या कुछ जानकारी? जी आपसे बता दें हैं डीसीपी एसीपी सब मौके पर मौजूद हैं, और प्रशासन जो है आप कैमरा में थोड़ा सामने करके दिखाएं किस तरह से प्रशासन गेट के सामने लगी हुई है, आप देख सकते हैं पूरे प्रशासन जो है पूरे लगी हुई है, पूरी तैयारी भी जो करते हैं जिस तरह से उस तरह से सब लगे हुए हैं। और इधर देखें ये इसी गेट से, ये जो गेट है इसी गेट से वो आएगा, इसी रास्ते से अतीक अहमद की गाड़ियां जो गाड़ी है वो आएगी और इसी गेट के अंदर एंट्री करेंगे। सामने हमारे नैनी जेल जो इस जेल के अंदर रखा जाएगा, कभी कभी इसका बोलबाला था यहाँ पे, ये इस जेल में कहें तो इसका बोलबाला जो था बहुत ही तेजी था, लेकिन आज इसी जेल में अतीक अहमद आने का है क्योंकि प्रयागराज पहुंच चुका है, जो कि कल शाम से ही रास्ते ही ये हो रहा था कि अतीक अहमद 4 घंटे 5 घंटे 2:30 बजे 3 घंटे 3 बजे तक आ जाएगा, और वो मौके पर प्रयागराज में एंट्री कर चुका है। उसका भाई जो है अशरफ, जिसके 52 मुकदमे हैं, वो भी कुछ ही क्षणों में ये प्रयागराज में एंट्री कर लेगा, और इसी को देखते हुए प्रशासन अलर्ट के मूड में है। और आप देख सकते हैं कि इस तरह से मीडिया मीडिया का मजोड़ा लगा हुआ है, मीडिया हाउस एक तरह से बना रखे हैं, और थोड़ा सामने करके देखा है किस तरह से भीड़ दिखाई दे रही है, देखें किस तरह से, आपसे बता दें कि भीड़ जो दिखाई दे रही है प्रशासन और शासन के साथ साथ जो मीडिया का मीडिया बंधु है वो। राहुल क्या जानकारी, कितना और वक्त लगेगा नैनी जेल पहुंचने में अतीक अहमद को? जी आपसे बता रहे 17 से 18 किलोमीटर लमसम बता रहे हैं, अब इसकी दूरी कम से कम 20 से 25 मिनट, क्योंकि टाइम जो है घटता जा रहा है, इस तरह से अब आ जाएगा तब आ जाएगा, इसी को देखते हुए अब आला अधिकारी भी बाहर रोड के किनारे खड़े हो चुके हैं ये देखने के लिए। आइए हम आपको कैमरा मैन थोड़ा पास करके दिखाएं। बिल्कुल कुल मिलाकर इंतजार हो रहा है अतीक अहमद कितनी देर में पहुंचता है, 10 से 15 मिनट का वक्त बताया जा रहा है। राहुल आप बने रहिए, आपके पास वापस आएंगे। सबसे पहले केसी जैन साहब के पास आएंगे। केसी जैन जी, लगातार कहा जाता है जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई कि अब जो जेलों में पहले होता था वो अब नहीं होगा, जेल सुरक्षा को लेकर तमाम बातें की जाती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि अतीक अहमद को तो ले आया गया है लेकिन जो मुख्य आरोपी हैं वो अब तक बाहर हैं,
क्या ये फेल्योर माने उत्तर प्रदेश पुलिस का कि दिन दहाड़े हत्या होती है और जो आरोपी हैं वो फरार हो जाते हैं प्रदेश से, पुलिस उनको पकड़ नहीं पाती है, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। केसी जैन जी, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। केसी जैन जी, हम चाहेंगे अपने फोन को आप अनम्यूट कर लें अगर आपको हमारा सवाल अगर आपने सुना है। जी जी जी, सवाल है सर कि कहा जा रहा है अतीक अहमद को तो आप लिया है, लेकिन जो मुख्य आरोपी हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, उनको पुलिस कब पकड़ेगी? क्या उत्तर प्रदेश पुलिस का फेल्योर है कि अपराधी आराम से प्रदेश से बाहर चले गए, कहां है कुछ पता नहीं? नहीं शैलेंद्र जी, देखिए पहली बात तो ये, उनमें से जो अपराधी हैं और उनसे जुड़े हुए जो अपराधी हैं, 40 से अधिक लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दो लोगों का उसमें इनकाउंटर हुआ है, जो इनकाउंटर में मारे गए हैं, और बाकी जो अभियुक्त फरार हैं उनके खिलाफ 5-5 लाख रुपए का उनके खिलाफ इनाम की घोषणा की गई है, और जो आवश्यक कार्रवाई है उनकी जो अवैध संपत्तियां हैं उस पर बुलडोजर भी चला है, उनको सरेंडर करने के लिए बाध्य करने के लिए जो जो चीजें आवश्यक हैं वो पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार की जा रही, और आगे जो विधिक कार्रवाई की आवश्यकता पड़ेगी वो आगे भी की जाएगी। दूसरी बात यह है कि ये कह देना कि अभी अतीक को लाया गया है, तो देखिए अतीक अहमद को यहाँ पर जो लाया गया है ये काफी पहले का एक मामला है, जिसमें जो गवाह थे गवाह को जिस प्रकार से अपहरण करके उनसे जबरन लिखवा लिया था कि हमने कोई घटना नहीं देखी और हमें कोई मतलब नहीं, मैं गवाही नहीं दूंगा, उसी अपहरण के मामले में कल इनकी पेशी होनी है और न्यायालय उस पर निर्णय लेगा, न्यायालय उस पर सजा सुनाएगा, इनको सजा सुनाई जानी है, उसमें गवाही वगैरह जो है वो पूरी हो चुकी है, तो ऐसे में अतीक को ला करके और कोर्ट में कल पेश किया जाएगा और न्यायालय उस पर सजा सुनाएगा। दूसरी बात यह है कि देखिए ऐसे दुर्दांत अपराधी कैसे पनपे, यहाँ तक कैसे पले बढ़े, किस तरीके से सांसद बने, किस तरीके से उन्होंने अपना जो अपराध का साम्राज्य है वो स्थापित किया और आज किस तरीके से अपराधियों की कमर टूट रही है, और यही कारण सामने आता है विपक्ष और बचाने का प्रयास करता है, साथ ही साथ ऐसा माहौल बनाने का प्रयास करता है जैसे कोई बहुत बड़ा ये संत पुरुष हो, जैसे कि ये कोई बहुत बड़ा दानवीर हो, इस तरीके का माहौल बनाने का काम विपक्ष कर रहा है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया जो है उसको न्यायिक प्रक्रिया पूरी चलेगी और जो विधिक कार्रवाई है विधिक कार्रवाई के अंतर्गत चाहे बुलडोजर की कार्रवाई हो या अपराधी को पकड़ करके ला करके न्यायालय के सामने पेश करना हो या अन्य अपराधियों की धरपकड़ हो या अपराधियों को पकड़ने जाना रहा हो उसमें इनकाउंटर की कार्रवाई हो, जो विधिक कार्रवाई है वो शासन प्रशासन के द्वारा की जा रही है, विपक्ष कितना भी दबाव बना ले लेकिन जो विधिक कार्रवाई है उसको पूरा किया ठीक है। जवाब ले लेते हैं मनोज यादव जी हमारे साथ हैं। मनोज जी, केसी जैन साहब कह रहे हैं विपक्ष दबाव बना रहा है और इस विपक्ष ने ही उसको पालने पोषने का काम किया है, अगर विपक्ष अगर पहले अच्छी भूमिका निभाता तो शायद आज अतीक अहमद ना होता, कितनी सच्चाई इसमें मनोज जी? मनोज जी, हम चाहेंगे फोन अपना अनम्यूट कर लें आप। जी सलेन जी, जी मैं ये कह रहा था कि 3 बार तो बीजेपी की भी सरकार रही अतीक अहमद बनने में, 3 बार उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह रहे, कल्याण सिंह रहे, मायावती जी रहे, बीजेपी के तो मैं यही बात कहूंगा कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि महिला मंडन डे है, एक अपराधी का जिस तरीके से महिला मंडन किया जा रहा है दुर्भाग्यपूर्ण है, कौन किसको बचा रहा है, मैं अनुरोध करूंगा कि
मैं बिल्कुल अपने सहयोगी से कहूंगा जो शोर आ रहा है उसे कम करने का प्रयास किया जाए ताकि मनोज जी की जो आवाज है हम तक पहुंचे। मनोज जी के पास वापस हम आएंगे, उससे पहले बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बस कुछ ही देर में नैनी जेल पहुंचने वाला है अतीक अहमद, कुछ ही दूरी का फासला है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं नैनी जेल के बाहर, जैसा कि हमने आपको दिखाया, हमारे संवाददाता वहां मौजूद हैं, नैनी जेल के बाहर मौजूद हैं। और जिस रास्ते अतीक अहमद को नैनी जेल लाना है उस रास्ते पर भी हमारे संवाददाता विनय मिश्रा मौजूद हैं। पल पल की खबर लगातार हम आपको दे रहे हैं अतीक अहमद से जुड़ी हुई। कल अतीक अहमद की कोर्ट में पेशी है, साबरमती जेल से उसे कल रवाना किया गया था प्रयागराज के लिए, प्रयागराज में दाखिल हो चुका है, कुछ ही देर में नैनी जेल पहुंचने वाला है। और उधर अशरफ जो है उसका भाई, वो भी इस मामले में आरोपी है, वो भी जो है आपका प्रयागराज पहुंचेगा। और इसी खबर पर हम लगातार बने, एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, राम कुमार निषाद हैं। राम कुमार जी अपनी बात आप कह सकते हैं। सर हम एक बात कहना चाहते हैं जी, खास करके अखिलेश जी से, क्योंकि वो पार्टी के जो है वरिष्ठ नेता हैं और मतलब जो है मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं वो। हेलो, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम खास करके जो है अखिलेश जी से पूछना चाहते हैं कि मतलब इतना पोपो डंडा करते हैं, कभी उस निषाद के घर में गए, मैं भी निषाद हूँ, तो उसकी मातारी या उसकी लड़की या उसकी बहन से पूछा कि उसके ऊपर क्या गुजरी है। दुनिया के नेतागिरी करते घूम रहे हो क्या, ये गाड़ी पलटेगी गाड़ी पलटेगी, कभी उस निषाद के घर जाते, कभी वो दूसरा जो मतलब पुलिस कांस्टेबल दूसरा हमारे जो जवान गया उसके घर जाते, क्या सहानुभूति वहां नहीं दिखा सकते थे? करीब आप रोटियां सेकना जानते हैं। चलिए शुक्रिया आपकी राय के लिए। तो लगातार हम जनहित में बात कर रहे हैं, माफिया अतीक अहमद की आखिरी माफिया बना कैसे, और अगर बना उसके पीछे के कारण थे, अब जो कार्रवाई हो रही कितनी ठीक है, क्योंकि जो मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। लगातार इसी पर हम बने हुए हैं। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, फौरन ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप जनहित देख रहे हैं, जनहित में हम माफिया अतीक अहमद की बात कर रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, अतीक अहमद नैनी जेल पहुंच गया है। काफिला था पुलिस का अतीक अहमद को लेकर, पुलिस पहुंच रही थी, अतीक अहमद नैनी जेल पहुंच गया है। लगातार हम इस खबर पर आपको पल पल की अपडेट दे रहे थे, कहां कहां से होता हुआ ये काफिला नैनी जेल पहुंचा है। बड़ी खबर इस वक्त की, अतीक अहमद नैनी जेल पहुंच गया है, साबरमती जेल से नैनी जेल लाया गया है अतीक। कल कोर्ट में अतीक अहमद की पेशी होनी है, उमेश पाल का जो अपहरण था उस मामले से जुड़ी पेशी है। हालांकि उमेश पाल की हत्या हो गई है, वो दूसरा मामला है। अब पीएसी बटालियन को नैनी जेल के बाहर तैनात किया गया है, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। और राहुल मिश्रा हमारे संवाददाता प्रयागराज में मौजूद है, नैनी जेल के बाहर मौजूद है, वापस राहुल के पास आएंगे। राहुल, नैनी जेल पहुंच गया काफिला, जो जानकारी मिल पा रही किस तरह की हलचल, क्या कुछ जानकारी राहुल? जी जी, आपको बता दें कि अभी जस्ट के न्यूज सबसे पहले बताया कि अतीक अहमद की जो काफिला थी, गाड़ियां थी, वो पहुंच गया, देख सकते हैं किस तरह जेल के सामने भीड़ लगी है, किस तरह से लगी है जी, देखें किस तरह से दिखाई दे रहा है, भीड़ दिखाई दे रही है, जो जेल जेल के सामने कहे जेल के सामने जो मदोरा दिखा दे रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि अतीक अहमद जो जिस एक टाइम ऐसा था कि जेल में उसकी छुट्टी नहीं थी, आज उसी अतीक अहमद को आने में इतनी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी व्यवस्था कि कभी सोचा भी नहीं गया था। आप देख सकते हैं वक्त घुमा के दिखाइए कैमरा में किस तरह से सारी व्यवस्था है। और
किस तरह से भीड़ दिखाई दे रही है आपको बता दें कि ये देखिए कितनी व्यवस्था है, जो व्यवस्था करे प्रशासन की व्यवस्था करे, शासन की व्यवस्था करे, सारे चारों तरफ से जो प्रशासन है लगी हुई है, बैरिकेशन करवा दिया गया है कि कहीं तो कोई संदिग्ध व्यक्ति आए, और प्रशासन तस्वीरें देखे किस तरह से दिखाई दे रही है। राहुल क्या जो गाड़ियां है काफिले में, जो गाड़ियां थी सारी गाड़ियां जेल परिसर के भीतर दाखिल हो चुकी हैं, या फिर जिसमें अतीक था वो गाड़ी भीतर गई है, क्या कुछ जानकारी? जी जी बताएं, जो गाड़ियां हैं, जो अतीक अहमद जिस गाड़ी में था वो गाड़ी अंदर गई है, उसके साथ तीन गाड़ियां गई हैं, पर लेकिन आपसे बता दें कि जो और गाड़ियां थी, जो उनके साथ गाड़ियां थी, वो गाड़ियां दिखा किस तरह खड़ी है, ये देखे ये गाड़ियां खड़ी है, किस तरह खड़ी हुई है, ये पूरी गाड़ियां उसके साथ जो थी, सिर्फ मेन गाड़ियां थी, ये देखे लगी हुई है सारी गाड़ियां, यही एक रूट था जिस रूट से लेके आए हुए हैं, देख सकते हैं किस तरह से ये है, इसी रूट से आए हुए हैं कि अतीक, ये पूरा जेल परिसर है, ये पूरा यहाँ से लेकर वहां तक पूरा जेल परिसर है, ये गाड़ी, ये मीडिया न्यूज ने दिखाया, इसको तस्वीरें दिखाई अतीक अहमद की, जो सुबह से ही लगी हुई है कि अतीक अहमद कब आएगा, और वो इंतजार खत्म हो चुका है, अब सिर्फ और सिर्फ अशरफ की रह गई, अशरफ कितनी देर में कितने क्षणों में यहाँ पर प्रयागराज नैनी सेंट्रल जेल आएगा, और उसके बाद उसके क्योंकि 6 बजे के राहुल को जानकारी मिल पा रही है जेल के भीतर अतीक पहुंचा है, कौन सी बैरिक में रखा जाएगा, अंदर किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, क्या जेल के भीतर के जो अधिकारी हैं, जो जेल के सुपरिटेंडेंट, उससे कोई बातचीत हुई हो आपकी? जी 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 ऐसी कोई बात नहीं हो पाई, क्योंकि शासन अब कुछ बोले ठीक है, हमें जो मामला है ये बहुत हाई फाई प्रोफाइल मामला है, इस मामले में कोई बोलना नहीं चाहता, क्योंकि कोई जिस अधिकारी से बात किया जाए वो अधिकारी सिर्फ और सिर्फ ना ही के जवाब देते हैं। अभी आपसे बता दें कि अतीक अहमद जो अशरफ है, अशरफ भी आने वाला है, उसके लिए भी तैयारियां लगी हुई है, प्रशासन जो है अलर्ट मोड पे है, और उसके बाद आपसे बता दें देखिए हो सकती है जो गाड़ियां है ये गाड़ियां जो है ये जा रही है लेने के लिए, हो सकता है अशरफ भी कुछ क्षणों में आ जाए, क्योंकि 6 बजे के बाद जो एंट्री जेल के अंदर नहीं होती ये बताया जा रहा है, और आगे आपसे बता दें कि 6 बजे वाले आ जाएगा तो अशरफ भी इसी जेल में, लेकिन कुछ खास मामलों में जो एंट्री है वो होती है जेल के भीतर, हालांकि अशरफ भी जो है वो प्रयागराज पहुंचने वाला है। विनय आप बने रहिए, माफ कीजिए राहुल बने रहिए, विनय मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं, वो भी प्रयागराज मौजूद हैं, वो भी जेल के बाहर मौजूद हैं। विनय अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, भीतर तो पहुंच गया है, जो जेल के बाहर की सुरक्षा व्यवस्था उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी अगर हम बात करें कि जो जेल व्यवस्था अंदर जो है उसको थाने में ले जाया गया है, अभी अभी तत्काल वो अंदर आया है, इसका मेडिकल चेकअप कराया जाएगा, और चेकअप के बाद जो है उसको जो है बंदी गृह में रखा जाएगा। जी विनय, कल कोर्ट में पेशी होनी है तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, जो प्रयागराज पुलिस है प्रशासन उसकी तरफ से जो बैरक तैयार किया गया है, चप्पे चप्पे पे पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई है, कल 11 बजे एमपीएमएलए कोर्ट में अतीक अहमद की पेशी है, अशरफ के लिए साथ ही पेशी है, उमेश पाल अपहरण कांड में जो है पेशी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा मुकदमे अतीक अहमद के ऊपर है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये देखने में बड़ी बात है, जब सरकार ने पहल की है तब जाके इतनी बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, और सबको बेसब्री से इंतजार है कि कल इस मामले में क्या फैसला आ सकता है। जी विनय, बड़ा टास्क था पुलिस वालों के लिए भी, जो पुलिसकर्मी साबरमती से लेकर नैनी जेल तक पहुंचे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है, अब जेल से कोर्ट पेश होना है, तो हम जानना चाहेंगे जेल से कोर्ट की दूरी क्या है, और वहां ले जाने के लिए क्या कोई अलग सुरक्षा व्यवस्था है, अलग टीम बनाई गई, या फिर यही जो टीम है यही कल कोर्ट में पेश करेगी? विनय जी, कल पेशी के दौरान जो है अलग से टीम बनाई गई है, और इसको सुरक्षा के मद्देनजर जो है यहाँ से जो है कोर्ट परिसर की दूरी लगभग 8 से 10 किलोमीटर है, इनको ले जाया जाएगा कोर्ट में, एमपीएमएलए विशेष अदालत में पेश किया जाएगा, और 11 बजे इस पूरे मामले की जो है सुनवाई शुरू हो जाएगी। जी
कितनी दूरी है जेल से कोर्ट की, विनय आपसे जानना चाहेंगे। जेल से कोर्ट की दूरी लगभग 8 से 10 किलोमीटर है। वहां पर जो है एमपी एमएलए की विशेष अदालत में जो है यह सुनवाई होनी है और कल बेसब्री से लोगों को इंतजार है इस पूरे पल का कि देखते हैं इस मामले में आखिर क्या फैसला आ सकता है। जी विनय आप बने रहिए हमारे साथ, कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं। ब्रेक से पहले मनोज यादव जी की बात अधूरी रह गई थी, हम चाहेंगे मनोज यादव जी आप उसे सबसे पहले पूरा करें, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। मनोज जी बीजेपी राज्य बीजेपी शासित राज्य में प्रधानमंत्री जी के गृह प्रदेश में बैठा हुआ था विगत कई सालों से, और आज जो महिमा मंडन किया जा रहा है इससे थोड़ा सा मुझे एक अंदर से तकलीफ हुई, और तकलीफ इसलिए हुई कि किसी माफिया का इस तरह महिमा मंडन करना टीवी पे और उसके बारे में बताना, ना तो पाकिस्तान से लाया जा रहा है, ना ही किसी गैर बीजेपी शासित राज्य से लाया जा रहा, और ना ही वो कोई फरार मुजरिम था। मनोज जी महिमा मंडन नहीं हो रहा है, महिमा मंडन नहीं हो रहा है। दरअसल इसके पहले एक मामला हुआ था उत्तर प्रदेश में विकास दुबे का, उसको भी भारी सुरक्षा के बीच लाया गया था, उसकी गाड़ी पलट गई थी, उसको सवाल उठे थे कि गाड़ी पलटा दी गई कि पलट गई, आखिर क्यों ऐसा हुआ है। तो सवाल यह था कि कहीं इस मामले भी ऐसा ना हो, इसलिए लगातार मीडिया कल से आज तक बना हुआ है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल सलेन जी आपकी बात सही है, वो सारी चीजें की जाने की प्रयास की जा रही, लेकिन ये कोई योगी आदित्यनाथ जी लेके नहीं आए, ना उत्तर प्रदेश की सरकार लेके आई है, ये माननीय न्यायालय के आदेश पे उस अपराधी को, उस माफिया को, उस अपराधी को एक जेल से दूसरी जेल शिफ्ट किया जा रहा है। सिंपल सी बात है, और जब न्यायालय के आदेश से कोई अपराधी आ रहा है तो पुलिस की इतनी हैसियत नहीं है कि पुलिस गाड़ी पलटा देगी। माननीय न्यायालय को उनसे बयान लेने हैं, माननीय न्यायालय को उनको सजा सुनानी है, माननीय न्यायालय को उनको छोड़ना है, ये सब माननीय न्यायालय तय करेंगे, कोई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं तय करेंगे। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि शायद उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पहली बार ये देखा जा रहा है कि किसी माफिया, ठीक मुख्तार अंसारी को भी जब पंजाब से लाया गया था तब भी ऐसा ही पूरा एक चला था सिस्टम की हाँ देखिए अभी यहाँ पहुंच, बात इसकी नहीं है। क्या देश में दो माफियाओं पे ही चर्चा 24-24 घंटे होगी क्या? तब तो फिर देश गया हमारा, गया काम से। हमारी सीधी सी मांग है उत्तर प्रदेश के जो मुद्दे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार के जो फेलियर है, डिबेट बिल्कुल उस पर भी बात कर रहे हैं। सवाल हमने भी किया केसी जैन साहब से कि मुख्य आरोपी जो हैं इस मामले के, जो हत्या हुई है, कई सारे लोग अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, वो कब आएंगे, क्योंकि अतीक अहमद तो पहले से जेल में था। आपके पास लौटेंगे मनोज जी, एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, गिरीश शुक्ला है कानपुर से। गिरीश जी अपनी बात आप कह सकते हैं। गिरीश शुक्ला जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपनी राय आप दे सकते हैं, शायद संपर्क जो है गिरीश जी से टूट गया। एक और कॉलर जुड़ गए चंद्र प्रकाश जी कुरुक्षेत्र से, चंद्र प्रकाश जी अपनी बात कह सकते हैं। चौहान साहब नमस्ते। नमस्ते सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मनोज यादव जी कह रहे हैं कि अतीक यादव का, अतीक भाई का जो है वो महिमा मंडन किया जा रहा है मीडिया द्वारा, ये उनका बयान मुझे हास्यास्पद लग रहा है और गलत बोल रहे हैं। वो महिमा मंडल नहीं है, एक दुर्दांत आतंकवादी की तरह बिहेव करने वाला बंदा जिसके भाई है, जिसके बच्चे हैं, वो खुद गोलियां चला रहे हैं, उसके ऊपर अगर आक्रमण हो रहा है तो अब इनके इनको क्यों तकलीफ हो रही है, एक बात। दूसरा बात, यहाँ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी की सदस्यता छीन ली गई उनके अपने कर्मों के कारण, और आज जो है पूरा विपक्ष एक हो रहा है उनके साथ महिमा मंडन करने के लिए। वही कल श्रीमती वाड्रा ने कहा था प्रियंका जी ने कि मेरा भाई पप्पू नहीं है, हम भी कहते हैं पप्पू नहीं है, आपका भाई पप्पू नहीं है, आपका भाई बोंदू है, क्योंकि नाना पटोले ने एक हिंदू संत के लिए ये शब्दों का प्रयोग किया था कि वो बोंदू है, हमें लगता वो पप्पू नहीं है, पप्पू से बढ़ करके वो बोंदू है, और इस बोंदू के साथ जो सरकार ने व्यवहार किया काबिले तारीफ है और मैं इसकी बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं। शुक्रिया आपकी राय चंद्र प्रकाश जी। इसी बीच एक और खबर आ रही है, रायबरेली से खबर आ रही है,
ब्लैक शीशे होने के कारण पुलिस ने किया चालान। अशरफ के वकील ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं। अतीक अहमद का जो भाई अशरफ वो बरेली जेल में बंद है, उसकी भी कल कोर्ट में पेशी होनी है उमेश पाल के अपहरण मामले में, और वो भी जेल से लाया जा रहा है। और अशरफ का वकील जो है उसकी गाड़ी का चलान हुआ है, क्योंकि काफिले में गाड़ी थी अशरफ के वकील की, पास होने के बाद भी गाड़ी रोकने का काम कर रही पुलिस, ये कहना है अशरफ के वकील का। रायबरेली में संदिग्ध वाहन मानकर पुलिस ने चेकिंग की, हालांकि रायबरेली से अशरफ का काफिला जो है निकल चुका है, लेकिन वकील का जो वकील है अशरफ के उनकी गाड़ी को रोक लिया गया है। अतीक के भाई के वकीलों की गाड़ियों की चेकिंग हुई है, जो अशरफ का वकील है उसकी गाड़ी की चेकिंग हुई है, पुलिस ने चालान किया है, गाड़ी की तलाशी ली है। रायबरेली का ये मामला आपको बता रहे हैं। बरेली जेल में रिसीव कराने गया था। तो क्या ये अशरफ वाले मामले में गए थे क्या? अशरफ वाले मामले, आप उनके वकील हैं क्या? मेरे सीनियर है विजय मिश्रा एडवोकेट, उनके जूनियर है। तो क्यों रोका आपकी गाड़ी? तीन बार सर बरेली से एक कुंदनपुर कछुआ मेरी गाड़ी में आके धक्का मार के बच रहा हूँ, आगे धक्का भी लगा है, देखिए बचका हुआ है गाड़ी, तो रोका गया, जबरदस्ती रोका गया। अब ब्लैक फिल्म बता के रोका गया, मैंने वीडियो बनाया उस टाइम पे मेरी गाड़ी में पूरा दो तीन बार कोशिश कर चुके हैं वो लोग। क्या पहले से पता था कि आपकी गाड़ी आ रही है? अभी थे अगर अब ये उतारने लगे फिर तुम्हारे शीशे पे वो हो जाएगा, फिर बताओगे यार तुम कितनी ना खराब कर दिया। तो क्या अभी वकील साहब की गाड़ी और भी कोई उनके साथ जा रही कि आप ही की गाड़ी? नहीं, ये किस रीजन से रोका गया ये हमें नहीं बताया जा रहा, बस ब्लैक फिल्म में बताया जा रहा है बस। तो आप सुन रहे थे अशरफ के वकील को, जिसका कहना है किस रीजन से रोका गया हमें नहीं पता, बस ब्लैक फिल्म लगी थी गाड़ी के शीशों में इसलिए रोका गया है, तलाशी ली है। तो अशरफ के काफिले के साथ जो गाड़ियां चल रही थी, अशरफ के वकील गाड़ी को रोक लिया गया है, गाड़ी की तलाशी ली गई है, चलान किया गया है। आपको बता दें अतीक अहमद का भाई अशरफ भी इसी मामले में आरोपी है, उसकी भी कल कोर्ट में पेशी होनी है, वो भी प्रयागराज पहुंचने वाला है, लेकिन रायबरेली में अशरफ के वकील गाड़ी को पुलिस ने रोक लिया है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता रायबरेली से मनीष अवस्थी जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है, जैसे कि आरोप लगाए जा रहे हैं वकील की तरफ से कि जानबूझकर गाड़ी को रोका गया है और काफिले को आगे जाने दिया गया है? जी बिल्कुल, बात करें तो जिस तरह से अतीक अहमद का भाई जो अशरफ है उसकी गाड़िया उसका गाड़ियों का काफिला रायबरेली जब पहुंचा और बॉर्डर पर पहुंचा, बॉर्डर का सर्वे के बाद जैसे ही शहर पर पहुंचा, शहर के अंदर उनका काफिला घुसा, वैसे ही उनके जो पीछे चल रहे थे उनकी वकील की गाड़ी को संदिग्ध पुलिस वालों को लगी की संदिग्ध गाड़ी है और गाड़ी को रोक लिया। रोकने के बाद पूरी गाड़ी को पुलिस ने चेक किया, पूरी गाड़ी खंगा ली, जिसके बाद जो उनके वकील थे उन्होंने आरोप लगाया कि बरेली से चलकर यहां तक आते आते पुलिस ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और तीन जगह मेरी गाड़ियों को रोका गया है। जबकि जिस तरह से आरोप उन्होंने लगाया, पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है कि इस तरह पुलिस को नहीं करना चाहिए, हम जो है उनके वकील है और इस तरह वकीलों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। जिस तरह से वकीलों की गाड़ी, क्योंकि गाड़ी संदिग्ध थी, गाड़ियों में ब्लैक शीशे लगे हुए थे, तो पुलिस को संदिग्ध लगा, इसलिए पुलिस ने गाड़ी को रोका, उसके सघन तलाशी ली। शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए। तो आपको रायबरेली से खबर बता रहे हैं, अतीक का भाई अशरफ भी प्रयागराज के लिए रवाना हुआ है बरेली जेल से, लेकिन उसके वकील को रायबरेली में रोक लिया गया है। जनहित में लगातार इसी पर हम बात कर रहे हैं, एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे जनहित। तो जनहित में बात करें माफिया अतीक अहमद की। अतीक अहमद प्रयागराज पहुंच गया, यानी जेल के भीतर दाखिल हो गया, कल उसकी कोर्ट पेशी होनी है। इसी पर आज हम बात कर रहे हैं कि जो मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, वो कब पकड़े जाएंगे, और जेलों की सुरक्षा को लेकर भी बात कर रहे हैं, इस पर राजनीति भी तेज हो गई है, तमाम सारी बातें सामने आ रही हैं। फिलहाल एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, गिरीश है कानपुर से। गिरीश, अपनी बात आप कह सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये गिरोह जो मैंने 4-6 दिन से देखा है आपका ये डिटेल में सब, उससे ये लगता है ये अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है, जिसमें राजनीति क्षेत्र के आदमी, व्यापारी क्षेत्र के आदमी, पुलिस प्रशासन क्षेत्र के आदमी, बहुत सारे लोग इसमें मिले हुए हैं। इसमें सुरा और सुंदरी का जो है वितरण होता था, पैसे का वितरण होता था, जिनके कारण हर आदमी गिर गया है।
अब ये शायद पुलिस पकड़ सकेगी इतने बड़े गिरोह को, ये गलत है। आप यहाँ सीबीआई को बुलाइए, एटीएस को बुलाइए, एनआईए को बुलाइए, ये नशे की तस्करी भी करते थे, हथियारों की तस्करी भी करते थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बदमाश हैं ये, और मेन बदमाश आपके हाथ में आ गए हैं। अगर अब पूरा रहस्य आप नहीं खोल पाते हैं तो इसका मतलब है वर्तमान सरकार का भी इनको संरक्षण प्राप्त है, देश की जनता के साथ धोखा किया जा रहा है। सरकार तुरंत गृह मंत्रालय अमित शाह जी तुरंत ले एक्शन और इतनी सारे इंतजाम करके इन दोनों मुलजिमों से कठोरता से पूछे और जिसका ये नाम ले उसको तुरंत पुलिस कस्टडी में लेकर के नजर बंद करके उससे भी पूछताछ होनी चाहिए। और ये अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र ये जो जनता का इतने गिरीश भाई आपकी राय के लिए एक बार राहुल का कर लेते रुख। राहुल मिश्रा हमारे साथ प्रयागराज से बने हुए हैं। राहुल क्या कुछ इस वक्त स्थिति है जेल के बाहर की और कल उसे पेश किया जाना है, उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कितनी बेहतर है और कौन सी टीम है जो कल उसे कोर्ट ले जाएगी, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? राहुल जी क्वेश्चन फिर से करें सर। राहुल क्या कुछ तैयारी है इस वक्त जेल के बाहर और कल उसे कोर्ट पेश होना, अतीक अहमद को अशरफ भी आने वाला है, तो उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? आज की रात की जो सुरक्षा व्यवस्था है कल सुबह 11 बजे तक की, क्या कुछ अपडेट? जी आपसे बता दें, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से जो निगरानी रखी जा रही है, अतीक अहमद की जो बैरिक है और उसके भाई का बैरिक, सबका अलग अलग बैरिक बनाया गया है। और प्रशासन की कहें, प्रशासन देखिए किस तरह से अलर्ट है और ये बाहर की सीन है जो गेट के बाहर, अभी आपसे बता दें कि सब लगे हुए हैं सब, ये प्रशासन मुस्तैदी से मतलब सुबह से जो कहते हैं चप्पे चप्पे पे पुलिस, पुलिस पुलिसिया रोब होती है, वो पुलिस एक टाइम ऐसा था कि किसी टाइम में ये प्रशासन का जो भय था अतीक अहमद के पास नहीं था, पर लेकिन आज 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 हम आपको दिखा दें कि प्रशासन के प्रशासन का भय कहीं ना कहीं उसके निगाहों में, उसके नजरों में, उसके परिवार के, उसके उसके घर वालों को ये लग रहा है कि प्रशासन है कहीं। पहले एक एक टाइम था कि प्रशासन को वो समझता नहीं था, लेकिन आज वो प्रशासन को समझ रहा है कि प्रशासन कुछ ना कुछ है। आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे जो पुलिस बंधु है वो खड़े हुए हैं और उसके बाद प्रशासन यहाँ यहाँ से लेकर के जो जहाँ एमपी एमएलए कोर्ट है वहां पे सारी व्यवस्था की गई है, वहां पे चप्पे चप्पे पुलिस लगी हुई है और उसके बाद वहां पे जो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में इसे 8 से 10 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से एमपी एमएलए कोर्ट जो। ठीक है राहुल आप बने रहिए, वक्त कम है, सीधा रुख राजीव वाल्मीकि जी हमारे साथ काफी वक्त से बने हुए दलित चिंतक हैं। राजू जी माफी चाहेंगे कि काफी देर बाद आपके पास आ रहे, चूंकि लगातार खबरें जो अतीक अहमद से जुड़ी आ रही हैं। राजू जी कैसे देखते हैं इस पूरे मामले में, बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी एंट्री कर ली, उन्होंने खुले तौर पर शाइस्ता परवीन का समर्थन किया है, शाइस्ता परवीन को जो प्रशासन ने उसने आरोपी बनाया है शाइस्ता परवीन को, और इधर मायावती का पूरा समर्थन, जब तक उन पर आरोप नहीं सिद्ध होंगे बहुजन समाज पार्टी उनके साथ है। राजू जी मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहता हूं कि वही बहन जी हैं जिन्होंने राजू पाल, उनके विधायक राजू पाल की जब हत्या हुई थी 2005 में, तो माननीय बहन जी ने अतीक अहमद के घर को जमींदोज कर दिया था, सिविल लाइन्स में उनकी जो बिल्डिंग थी उसको जमींदोज किया था, इस तरह से जितना आतंक उनका था उससे तोड़ने का कार्य सबसे पहले बहन जी ने किया और आज की स्थिति में उनके आतंक को तोड़ने का माननीय योगी महाराज जी कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर समाज के अंदर यदि भय व्याप्त ना होता इनका, तो जिस तरह से इन्होंने सड़क पर दौड़कर तत्कालीन गायक राजू पाल की हत्या करी थी, मुख्य जो गवाह उमेश पाल की जिस तरह हत्या करी वो इनके आतंक को दर्शाता है। और भारतीय लोकतंत्र में बाबा साहब द्वारा संविधान निर्मित किया गया, उस लोकतंत्र में जनहित ही सबसे बड़ी कसौटी है कि भय और असुरक्षा की भावना आम जनता से निकले, वही कार्य वर्तमान नहीं। बिल्कुल राजू जी, जैसे आपने कहा कि जिस वक्त ये राजू पाल की हत्या हुई थी उसके बाद मायावती जब सत्ता में आती है उसके बाद उन्होंने एक्शन लिया, लेकिन यहाँ का जो ये फैसला है उसको कैसे देखते हैं? आज वही शाइस्ता परवीन जो है, जो अभी तक अतीक अहमद के खिलाफ थी मायावती एक वक्त में, आज उसकी पत्नी को टिकट दे दिया है बसपा की मेयर के तौर पर, पूरा समर्थन दे रही हैं, एक तरफ सरकार प्रशासन जो आरोपी बना रहा है शाइस्ता परवीन को, उधर मायावती के समर्थन, इसे किस एंगल से देखें?
निश्चित तौर पर ये वोट बैंक की राजनीति है सपा और बसपा के बीच में। जब सपा में अतीक अहमद होते हैं तो बसपा उनको बुरा मानती है, और अब जब बसपा में वो हो गए हैं तो अतीक अहमद के खिलाफ किसी भी तरह की जो कार्रवाई हो रही है उसका माननीय अखिलेश यादव जी विरोध कर रहे हैं, यानी कि उसका समर्थन कर रहे हैं अतीक अहमद। ठीक है, मनोज जी का रिएक्शन ले लेंगे। मनोज जी कुछ कहना चाहते हैं, वक्त कम है। देखिए शैलेंद्र जी, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये कौन से लोग हैं जो समाजवादी पार्टी को निशाना बनाए बैठे। अरे बहन जी उसका समर्थन कर रही हैं, बहन जी उसको संरक्षण दे रही हैं, और समाजवादी पार्टी तो कह रही जो न्याय का काम है, न्यायपालिका का काम है, जो सरकार का काम वो करे। देखिए दरअसल में बात क्या है, बीजेपी ने एक प्रलाप किया है, और प्रलाप ये है किसी दलित चिंतक की हैसियत है कि बता दे कि केशव प्रसाद मौर्य और नंदी से क्या है, अतीक अहमद के रिश्ते है किसी की हैसियत, मुरली मनोहर जोशी से क्या रिश्ते उसके थे किसी की हैसियत टीवी पे कहने की, लेकिन हाँ समाजवादियों की हैसियत है। समाजवादी पार्टी चिल्ला के कहेगी कि चाहे मुरली मनोहर जोशी से लेके और नंद गोपाल नंदी तक किसका किससे क्या रिश्ता है, क्यों पीछे छुपा रहे हो चीजें। ठीक है, समय कम है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, समय का भाव है। और जाते जाते कॉलर हमारे से जुड़ गए हैं, प्रेम चेन्नई से। प्रेम, हम चाहेंगे आप अपनी राय दें। माननीय चौहान साहब, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, कोई भी राजनीतिक पार्टी। चौहान साहब प्रेम, अपनी बात आप कह सकते हैं। हाँ नमस्कार सर, मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो सर, उससे अपना लेना देना नहीं है, लेकिन आज देखने में ये आ रहा है कि हमारी प्रदेश में अभी जो सरकार है वो इससे डरी हुई है, क्यों इतना तामझाम करके उनको लाना पड़ रहा है। इसका मतलब है पहले की पार्टियों में क्या था, पहले से क्या लेना देना था। इसका मतलब है अभी की प्रदेश की सरकार जो है वो इतनी मजबूत नहीं है। वो जो कहती थी कि पट्टियां लगा के अपराधी घर में आ रहे हैं, ये तो जेल में बंद था, उसको लाने में इतनी इनको हो रही है, दुनिया भर का काम जाम करके लाना पड़ रहा है सर। इसका मतलब इनके पास मजबूती नहीं है। दूसरी पार्टी को कहना उसने पाला, उसने रखा, उसने इसको बढ़ावा दिया, ये सब प्रचुर की बात है। मेरे कहने का मतलब ये है कि सर प्रदेश की सरकार को वो राजनीतिक जमीनों को छोड़ के अपराधियों को नष्ट करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। जो उन्होंने भाषण दिया सीएम साहब ने कि मैं मट्टी में मिला दूंगा, अपने नाम करने के लिए नहीं, रियल में मट्टी में मिलाइए सर, तब आपकी बात की वो होगी। प्रेम, और हमारे साथ मनोज जी बने हुए थे, राजू जी बने हुए थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। केसी जैन साहब आपका भी शुक्रिया। तो लगातार जनहित में हम बात कर रहे हैं। राहुल मिश्रा संवाददाता नैनी जेल से थे, राहुल आपका भी शुक्रिया। विनय मिश्रा भी लगातार हमारे साथ बने थे, हमारे संवाददाता आपका भी शुक्रिया। तो जनहित में अतीक अहमद माफिया जो है अब वो पहुँच गया, इस पर हम लगातार बने हुए थे। आगे भी पल पल की अपडेट हम आपको इस खबर पर देते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।